शहर हो या गांव, सभी खबरों पर होगी हमारी नजर। राजनीतिक, सांस्कृतिक, खेलकूद, क्राइम, सामाजिक, एजुकेशन, धार्मिक, सभी तरह की खबरें देखिए। नमस्कार, खबर हरियाणा प्रदेश की शान में आपका स्वागत। पेश करते हैं आज की खबरें। बहादुरगढ़ शहर के रेलवे रोड पर अपना वाहन लेकर शाम 4 बजे से रात 8 बजे के बीच जाना चाहते हैं तो अब आप नहीं जा सकते, क्योंकि बहादुरगढ़ प्रशासन व ट्रैफिक पुलिस ने रेलवे रोड पर शाम के समय अत्यधिक भीड़ होने के कारण इसे 4 घंटे के लिए बंद कर दिया है। वहीं इस संबंध में पुलिस प्रशासन का कहना है कि फिलहाल रेलवे रोड शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक बंद में रहेगा और दुकानदारों को अतिक्रमण से बाद आना होगा, दुकानों के सामने लगने वाली रेहड़ियों को हटाना होगा। यह सब लोगों के हित को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। वहीं रेलवे रोड से दिन भर हजारों यात्री इधर उधर जाना पड़ता है और इससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं शहर के लोगों का इस बारे में कहना था कि तक आए और यहाँ से यू टर्न इतनी मुश्किल से आए, फिर वापस वहीं जाए, इससे अच्छा बंद वहीं लगा देना चाहिए। सर, आम पब्लिक के लिए सुलित की गई है, ये आम पब्लिक के लिए सुलित की गई है। सहूलियत तो है, लेकिन ये सहूलियत को वहीं रोक दो ना, अब गाड़ी यहाँ ना आए। अब गाड़ी 1 किलोमीटर आई है, फिर 1 किलोमीटर वापस आए। प्रशासन से क्या अपील करेंगे सर? प्रशासन से क्या? अब देखो सारे यू टर्न लेंगे, उससे तो और अफरा तफरी होगी, सुविधा नहीं हुई, नुकसान हुआ। ये यहाँ की बजाय वहाँ से रोक दो और तो आगे ही नहीं आए। और फिर रेलवे रोड है, रेलवे स्टेशन से आदमी जाएगा, दिल्ली जाना है कहाँ से जाएगा? वो कोई स्थान थोड़ा है जो वहाँ से भेज रहे हो, जो वहाँ से भेज रहे स्कूल से, वो कोई जाने की जगह नहीं है। मेन रोड भी ये है पर इसको ब्लॉक कर दिया, लोगों को जबरदस्ती परेशानी। शहर हो या गांव, सभी खबरों पर होगी हमारी नजर। राजनीतिक, सांस्कृतिक, खेलकूद, क्राइम, सामाजिक, एजुकेशन, धार्मिक, सभी तरह की खबरें।